मैं आपको बुक करा रहा हूँ नरेंद्र अवस्थी, चैप्टर नंबर है 1। और मैं आज आपको क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा 86। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। द डेंसिटी ऑफ 56% बाई वेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 1 प्रोपेनॉल इज दिस, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन। यहाँ पर आपको 1 प्रोपेनॉल गिवन है, प्रोपेनॉल CH3 CH2 CH2 OH, इसका मोलर मास निकाल लो अभी के अभी, 15 प्लस 14 प्लस 14 प्लस 17, और अगर आप इसे जोड़ोगे तो ये आएगा 60। मोलर मास पहले निकाल लो। इसमें इसकी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ये आपको गिवन है 0.8975 ग्राम पर ml। बिल्कुल मत भूलो, यहीं पर नोट लिख लो कि 1 ml इज इक्वल टू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। 1 ml इज इक्वल टू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, इसकी फुल फॉर्म भी लिख देता हूं मैं, क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, ये होता है। अब आगे इसमें जो परसेंटेज बाय वेट है, परसेंटेज बाय वेट ऑफ सोल्यूट, ये आपको गिवन है, कितनी गिवन है भाई, 56% गिवन है, ये 56% गिवन है। आपको इन क्वेश्चंस में ऐसा कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको डाटा हैंडल करना आना चाहिए, डाटा इस्तेमाल करना आना चाहिए। आईटी इन क्वेश्चंस से ये जानना चाहती कि आपको डाटा एनालाइज करना आता है या नहीं आता है, और कुछ भी नहीं है। चलिए, ये तो क्वेश्चन है। अब आप वन बाई वन इस्तेमाल करना सीखो कि हाँ, जो डाटा गिवन है वो डाटा कैसे इस्तेमाल होगा, कैसे यूज होगा, डाटा कैसे यूज होगा। निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। मैं यही देख रहा था कि मोल फ्रैक्शन निकालना है, ये आपको कैलकुलेट करना है, निकालना है। कितना इजी क्वेश्चन हो जाता है। सबसे पहले आप डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन को देखो, तो जो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है वो है 0.8975 ग्राम पर ml है। अगर हम 1 ml सॉल्यूशन लेते हैं तो फिर वो 0.8975 ग्राम सॉल्यूशन हो जाता है, यानी इतना मास है तो वॉल्यूम 1 ml होगा। यही डेंसिटी बता रही है, डेंसिटी की यही मीनिंग होती है। सोल्यूट कितना है दोस्त, सोल्यूट है 56% सोल्यूट है, तो वेट ऑफ सोल्यूट जो आ रहा है वो 56% आ रहा है, यानी कि 56/100 इंटू क्या है भाई, 0.8975 ग्राम, यानी 0.56 इंटू 0.8975 ग्राम ये आ रहा है। अब आप आगे चलिएगा, ये सोल्यूट का वेट हो गया, ये तो सॉल्यूशन का वेट है ही। अब सॉल्वेंट का वेट निकाल लो, वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट निकालेंगे तो सॉल्यूशन में से, यानी 0.8975 में से आप माइनस कर दो सोल्यूट को 0.56, 0.8975 आपको कॉमन लेना पड़ेगा, 0.8975 कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस 0.56 ये ग्राम हो गया। अब सोल्यूट के मोल्स कितने होंगे, यहां पर अगर आपको मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालना है, सोल्यूट जो कि क्या है भाई, प्रोपेनॉल है, CH3 CH2 CH2 OH है, मास अपॉन मोलर मास। मैंने मोलर मास पहले ही निकलवा दिया था, ये था इसका मोलर मास, मास 0.56 × 0.8975 / 60 मोल्स हो गए।
अब मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है दोस्त? सॉल्वेंट है वाटर, तो वाटर का मोलिकुलर मास कितना होता है? 18 होता है। ये 0.89751 माइनस 0.56 डिवाइडेड बाई 18, ये मोल्स आ गए। अब आपको कोई खास दिक्कत नहीं बची है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन किसका? सोल्यूट का निकालना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ये अगर देखेंगे तो मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल्स। अगर मैं इसके मोल्स को एन बी से रिप्रेजेंट कर दूं, एन बी, और इसके मोल्स को मैं एन ए से रिप्रेजेंट कर दूं, एन ए से, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट इसका मतलब एन बी अपॉन टोटल मोल्स, एन बी प्लस एन ए, इन वैल्यूज को पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन डाटा हैंडल करने पर डिपेंड है, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसी कॉन्सेप्ट नहीं है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, 87 पर। 87 क्वेश्चन क्या कहता है उसको भी मैं देख करके चलता हूं कि 87 का मामला आखिर है क्या। 87 पर चलते हैं कि 87 कहना क्या चाहता है आपसे। चलिए ध्यान दीजिए, 87 पर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहना चाहता है। व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ SO4 आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 34.2 ppm ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस। ये 34.2 ppm ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस है। जिंदगी भर के लिए आप याद कर लो, बिल्कुल लाइफ टाइम के लिए याद कर लो कि 1 million ये इज इक्वल टू होता है 10^6, 1 billion ये इज इक्वल टू होता है 10^9, और 1 trillion ये आग पास होता है 10^12। इस पीपीएम का मतलब क्या है? ये पीपीएम का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, यही पीपीएम का मतलब है। यानी कि अगर हम बात करते हैं इसकी, अगर जब भी आप 1 million यानी 10^6 ग्राम सॉल्यूशन लेंगे, तब उस कंडीशन में 34.2 ग्राम Al2SO4 होल थ्राइस यानी कि सोल्यूट के आपको मिलेंगे। अरे भैया, 10^-6 का मतलब 1 ppm होता है, वो 1 million होता है, 1 million, इसी को तो 1 million कहते हैं, इसी को हम 1 million कहते हैं। 10^6 ही 1 million कहलाता है। तो 1 million में जितना सोल्यूट है वही पीपीएम है, यानी 10^6 ग्राम में जितना सोल्यूट है वही पीपीएम है। आपको यहां पर मोलर मास ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस इसे निकाल लेना चाहिए। 2 × 27 प्लस 3 × 96 और ये 342 आएगा। निकालना क्या है, कह क्या रहा है? डेंसिटी 1 g/ml है तो मोलारिटी निकालनी है। अभी आप देखो ये इतने ग्राम है, डेंसिटी 1 है, तो ये 10^6 मिलीलीटर हो जाएगा सॉल्यूशन। क्यों भाई, क्यों हो जाएगा? क्योंकि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ये आपको 1 g/ml गिवन है। जब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1 g/ml गिवन है तो उस केस में 10^6 ग्राम इज इक्वल टू 10^6 मिलीलीटर। नाउ मोलारिटी, आपको मोलारिटी निकालनी है। किसकी मोलारिटी निकालनी है? SO4-2 की मोलारिटी। SO4-2 की निकालनी है, आई थिंक, हाँ जी, इसी की निकालनी है। तो पहले आप मोलारिटी ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस निकाल लीजिए। ये क्या होगा? मास, कितना मास है?
अरे भाई इसकी निकालनी है तो इसी का मास चाहिए 34.2 डिवाइडेड बाय मोलर मास 342 इंटू वॉल्यूम इन लीटर, तो 10^6 मिलीलीटर है। 10^3 की मल्टीप्लाई ऊपर करना पड़ेगा लीटर में चेंज करने के लिए 1000, तो ये आपके पास 34.2 डिवाइडेड बाय 342 इंटू, यहां से ऊपर ले जाओ 10^-3 आ गया, ये कितना आ जाएगा 10^-4 आ जाएगा। अब निकालना किसका है, निकालना तो SO4 माइनस का 2 का है। आयोनाइज कैसे होता है, ये Al2SO4 होल थ्राइस बनाता है 2Al+3+3SO4-2 बनाता है। इसके मोल्स, अरे यार स्टोशियोमेट्री क्यों नहीं लगाते हो, जो मैंने आपको ब्रह्मास्त्र दे दिया है उसका इस्तेमाल फटाफट किया करो यार। तो इसके मोल्स, मोल्स या मोलारिटी 10^-4 इज इक्वल टू 1/3 इंटू मोलारिटी ऑफ SO4-2 आ गई, तो 3 × 10^-3 इंटू 10^-4 ये आ गई मोलारिटी ऑफ SO4-2। आंसर आ चुका है। तो अब देखिए 88 क्या कहता है, 88 पर चलते हैं और देखते हैं कि 88 क्या कहता है। 88 देखो बच्चों, 88 के रिगार्डिंग हम बात करेंगे, ये क्या कहना चाहता है। इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, केवल डाटा आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए, जो गिवन डाटा है उसका कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे यूज करेंगे, ये आना चाहिए बस। 88 क्या कहता है, द रिलेशनशिप बिटवीन मोलारिटी, यहां पर मोलारिटी एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलारिटी m है, मोलालिटी एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलालिटी स्मॉल m है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ये रो है, और इसकी यूनिट भी गिवन है, ग्राम पर एमएल गिवन है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ग्राम पर एमएल गिवन है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट ये m1 गिवन है, M1। इनमें रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है मेरे दोस्तों। फिर मैं जैसा कहता हूं, डेटा इस्तेमाल करना आना चाहिए, एक ही बात कहता हूं मैं, डेटा इस्तेमाल करना आना चाहिए। सबसे पहले हम डेंसिटी का इस्तेमाल करते हैं, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ये गिवन है, कितनी गिवन है दोस्त, रो ग्राम पर एमएल गिवन है। इसका मतलब है कि अगर आप 1 ml सॉल्यूशन ले लेंगे तो ये रो ग्राम सॉल्यूशन हो जाएगा, ये रो ग्राम सॉल्यूशन हो जाएगा, इसकी यही मीनिंग है। हम डेंसिटी का इस्तेमाल कर चुके हैं, मोलारिटी पर चलते हैं, तो मोलारिटी का मतलब होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट ठीक है किस में, ग्राम में, अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोलर मास गिवन है कितना m1, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में 1 है, तो यहां पर 1000 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है दोस्त। यहां से वेट ऑफ सॉल्यूट ये जो आ जाता है, इसकी इसको नोटेशन दे रखा है, कितना m दे रखा है, m × m′ × 10^-3 यूनिट आता है ग्राम, m × m1 × 10^-3 यूनिट आता है ग्राम, ये वेट ऑफ सॉल्यूट है, ये
वेट ऑफ सॉल्यूशन था, ये वेट ऑफ सॉल्यूशन था, ये वेट ऑफ सॉल्यूट है, निकालना क्या है, सॉल्वेंट निकालना है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट ये क्या होगा, सॉल्यूशन माइनस एम इंटू एम वन इंटू 10^-3 क्या आ जाएगा भाई, ग्राम आ जाएगा, ये सॉल्वेंट का मास आ गया। अब आपको मोलालिटी का फॉर्मूला अप्लाई करना है, मोलालिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो मोलालिटी इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है दोस्त, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। मैं फॉर्मूला क्या लिखूं भाई, बार बार फॉर्मूला लिखना अच्छा नहीं है, मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूं। तो एम मोलालिटी जो कि शो कर रखी है एम से, वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट हम अभी निकाल चुके हैं, एम एम इंटू एम वन इंटू 10^-3 डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, इतना है वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो रो माइनस एम एम वन इंटू 10^-3 ऊपर, ये ग्राम में है, किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 की मल्टीप्लाई ऊपर, इससे ये गया, इससे ये गया, आपका मोलालिटी आ गई एम रो माइनस एम एम वन इंटू 10^-3। आंसर आ गया 88, क्वेश्चन सोल्व हो गया। हम चलते हैं 89 पर कि 89 क्या कहता है, सब में केवल 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 एक काम करना है, सब में केवल एक काम करना है, उस काम का नाम है क्या, सब में केवल एक काम करना है, उस काम का नाम है आप सबको डेटा हैंडल करना आना चाहिए, आप सबको डेटा हैंडल करना आना चाहिए, बस और कुछ भी नहीं है। 89 क्या है, मोलालिटी और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये वैल्यूज गिवन हैं, कितनी गिवन है भाई, मोलारिटी 9 है, मोलालिटी 10 है, मोलर मास 50 है, गुड। डेंसिटी निकालनी है, अभी फॉर्मूला बताया है, मोलालिटी इज इक्वल टू एम रो माइनस एम एम वन 10^-3, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, इसकी वैल्यू 10 गिवन है दोस्त, यही तो पुट करनी है यहां से 10, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, ये गिवन है, यही तो पुट करनी है 9 रो इनटू, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, ये गिवन है कितनी, 10 गिवन है पुट कर दिया, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 9 गिवन है पुट कर दिया, रो माइनस इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 9 गिवन है पुट कर दिया, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 50 पुट कर दिया, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 10^-3 पुट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये 9 यहां पुट किया, ये 50 उठाया यहां पुट किया, वैल्यू पुट किया, रो की वैल्यू या डेंसिटी की वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। 90 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है, ये भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 90 पर चलते हैं कि हाँ जी 90 क्या कहता है, 90 पर कंसंट्रेट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं 90 क्या कहता है। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल हैज डेंसिटी, डेंसिटी गिवन है कितनी, रो, रो इसका मतलब डेंसिटी गिवन है सॉल्यूशन की 1.025 ग्राम पर एमएल,
गिवन है, एंड मोलारिटी ये गिवन है टू। व्हाट इज द मोलालिटी? मोलालिटी निकालनी है। इथेनॉल यानी कि एम, ये क्या होगा? मोलर मास ऑफ C2H5OH ये 56 होता है। कुछ भी नहीं करना है, केवल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। मोलालिटी इज इक्वल टू क्या? एम रो माइनस एम एम वन टेन टू द पावर माइनस थ्री, इसकी वैल्यू टू, इसकी वैल्यू 1.025 माइनस 2 इंटू 46 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। कुछ भी नहीं करना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।